इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को चीन के सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। मरीम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अगले माह चीन का 8 दिन का खुसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब को चीन की तरफ से 8 से 15 दिसंबर तक दौरे की दावत दी गई है। सीपीसी की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब के हमरा आला सतह का वफ भी चीन जाएगा, जबकि दौरे में आईटी, मेडिकल इंडस्ट्री और मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर जायजा लिया जाएगा। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तजारती रवाबत पर भी गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को चीन के सरकारी दौरे की खुसूसी दावत और मरीम नवाज चीन के हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी, जबकि चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह दावतनामा मौसूल हुआ है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अगले माह चीन का 8 रोज़ का खुसूसी दौरा करेंगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब को चीन की तरफ से 8 से 15 दिसंबर तक दौरे की दावत दी गई है। और CPC के खुसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब की हमरा आला सतह का वफ़ भी चीन जाएगा। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन रज़ा, आगाह कीजिएगा, आला सतह का वफ़ भी जाएगा, वफ़ में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, इस वफ्द में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत सूबाई कैबिनेट के मेंबरान भी शामिल होंगी, और उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमात समेत पंजाब की कुछ ब्यूरोक्रेसी जिसमें सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदील, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर साजिदा फडाल और दीगर कुछ अहम अफराद जो हैं वो इस जो है वफद का हिस्सा होंगे। लगभग को बताया जा रहा है कि ये 20 रुकनी वफद होगा जो चाइना का विजिट करने जा रहा है, और इसकी सरबराही जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ करेंगी। अगर देखा जाए तो ये 8 से 15 दिसंबर तक का जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ वहाँ पर विज़िट करने जा रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो आम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे, और जो चाइना की हुक्मरान जमात है उनके सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें होने का भी इम्कान है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर इस मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली और उनके साथ साथ जो गुड गवर्नेंस के जो मॉडल चाइना में अप्लाई किए गए हैं उसका भी जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा, उसका जायज़ा भी लिया जाएगा कि उस वो कौन से ऐसे मॉडल हैं जिनको अगर पंजाब में अप्लाई किया जाए तो इनके गुड गवर्नेंस में मजीद जो है वो बेहतरी लाई जा सके। अगर देखा जाए तो जहां पर खैबर पख्तूनख्वा दीगर जो है वो अपने अपने सूबे को छोड़ के दीगर मामलात में जो है वो मुदाखलत करते दिखाई देते हैं कि सूबे की वहां पर ज्यादा फोकस करते दिखाई नहीं दे रहे, वहां पर पंजाब की जो वजीर आला है मरियम नवाशी वो पंजाब की अवाम की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही है। बहुत शुक्रिया हसन रजाब, हमें आगाह कर रहे थे।